लोगों का रहता ना कि गाने में तो यार वो बढ़िया बढ़िया ताने जोर जोर से जल्दी जल्दी वाली आनी चाहिए, ये जल्दी से ले लिया, जो पर्टिकुलर बोल है जैसे पर्टिकुलर सुर है कि सा में सफाई आ जाए, रे में सफाई आ जाए, हर सुर साफ साफ एग्जैक्ट लगे उसी फ्रीक्वेंसी पे जितने पे लगना चाहिए। ऐसे हालात हो तो क्या करे, ये करे ना करे क्या करे। धीरे स्पीड बढ़ा लीजिए। देखिए कोई भी चीज को गति में, स्पीड में, फास्ट स्पीड में बोलने के लिए या फास्ट स्पीड में गाने के लिए या उसको बजाने के लिए या नाचने के लिए लोगों का ये रहता है ना कि यार एकदम तेज वाली गति जो है, तेज वाली जो स्पीड है उसमें कैसे बजाया गाया जाए, है ना। या कोई भी जैसे अलंकार है, जैसे ये सा रे गा मा ब ध नि सा सा नि ध ब म ग रे सा सा रे गा मा ब ध नि सा सा नि ध ब म ग रे सा सा रे सा ग रे ग रे म ग म ग प म प म ध प ध भ नि ध नि ध सा सा रे सा ग रे ग सा रे सा ग रे ग सा रे सा ग सा रे सा रे ग सा रे सा ग रे ग सा रे सा ग सा रे रे ग म ग म रे म ग म ग प म प ग म ग प म प ग म ग प म प ग म ग प म प ग म ग प म प ग म ग प म प ग म ग प म प ग म ग प म प ग म ग प म प ग म ग प म प ग म ग प म प ग म ग प म प ग म ग प म प ग म ग प म प ग म ग प म प ग म ग प म प ग म ग प म प ग म ग प म प ग म ग प म प ग म ग प म प ग म ग प म प ग म ग प म प ग म ग प म प ग म ग प म प ग म ग प म प ग म
गेते टका तधा तिधा का तगे गेते टका तधा तिधा का तगे गेते टका तधा तिधा। ये तिहाई मेरी सम पे आई, तो इसको सम पे इतनी स्पीड में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या टेक्निक है? वो टेक्निक यही है कि सबसे पहले उसकी पढ़ंत होनी चाहिए, और पढ़ंत उसकी कम लय में होनी चाहिए, और कम लय में बराबर ज़र्ब, और मतलब ज़र्ब यानी जो झटके उसके हैं वो वज़न देके और उसकी बांट को अच्छे से क्लियरली बोलकर अगर आप रियाज़ करते हैं कम स्पीड में, तब ही जाके उसे फास्ट स्पीड में आप क्लियरली बोल बजा या गा पाएंगे, है ना। अब जब तक ये तिहाई आप कता गे घे ते टा कता, वैसे ये चौगुन में लिखी हुई है लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ इसे दो गुन में गिनिए, कता गे घे, तो ये 8 की 16 में आ जाएगी, कता गे घे ते टा कता धा ती धा कता गे घे ते टा कता धा ती धा कता गे घे ते टा कता धा ती धा। अब इसकी धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएगा, लेकिन जब तक ये कम स्पीड में अच्छे से याद ना हो जाए तब तक स्पीड नहीं बढ़ानी होती है। क ता घे घे ते ट क ता धा ती धा क ता घे घे ते ट क त धा ती धा क ता घे घे ते ट क त धा ती धा क ता घे घे ते ट क ता धा ती धा क ता घे घे ते ट क त धा ती धा क ता घे घे ते ट क त धा ती धा कता गे गे ते टक त धाती 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 धा। ये धीरे धीरे इस तरह से आपको स्पीड बढ़ानी होती है। यही अलंकारों का भी मामला है। अलंकार भी मैं जब अब अगर गाऊंगा तो सा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अलंकारों को जब भी आप रियाज करो, लोगों का रहता ना कि गाने में तो यार वो बढ़िया बढ़िया ताने जोर जोर से जल्दी जल्दी वाली आनी चाहिए, ये जल्दी से ले लिया, इस तरह से। लेकिन क्या होता है, ज्यादा स्पीड में पहले ही शुरुआती दौर में स्पीड में रियाज करने से नुकसान क्या होता है, आप बारीकियां खो देते हो, है ना। स्वर की स्थिरता, जो स्वर स्थिर चलेगा, जो सा लगना चाहिए था वो लगा ही नहीं, जैसे ही स्पीड में गया तो वो स्पर्श होके लगा, स्पर्श यानी ये छूकर निकल गया उसे, है ना। बजाने में भी यही हो रहा है ना, जब आप कता गे गे ते टक कता धाती धा स्पीड में बजाने जाओगे तो कुछ बोल होंगे जो बराबर बजे नहीं रहे, वो खाली बस उंगली लग गई और लगी भी नहीं, वो पहुंचती नहीं नीचे तक, घे पर वो उंगली पहुंची नहीं, उससे पहले आपका तो अगला बोल आ गया, है ना, अगला जो वर्ण बनता था। तो इसमें क्या हुआ, स्पीड में आपने क्लैरिटी खो दी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक स्लो लय में अच्छे से हर वर्ड हर वर्ण हर सुर हर बोल जब तक साफ ना हो जाए तब तक स्पीड मत बढ़ाओ। तीन ताल का रियाज, जैसे तबले में भी रियाज होता है ना, तो तीन ताल का रियाज बोला जाता है कि तीन ताल का आपको रियाज करना है और शुरू करना है धा धिन धिन धा, इस लय से,
और जाना है धा धा धिन 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 धा धा धि
धिन धिन धा, इसमें क्या होगा, पूरा निकास देखा जा रहा है कि ये उंगली जो है यहीं पड़नी चाहिए, उसका स्ट्रोक एग्जैक्ट उसी जगह पे, सुर लगाया तो एग्जैक्ट वही वाला सुर लगा, ये नहीं कि ऊपर नीचे चढ़ा हुआ उतरा हुआ, नहीं वही सा लगा। तो ये क्या होता है, जब अगर स्पीड में करना है मजेदार वाला काम, है ना, स्पीड में ऐसा जो आकर्षित हो और सच्चा भी और प्योर भी हो, ऐसा भी नहीं कि स्पीड में गाने में तो कोई भी गा सकता है पर बेसुरा है तो क्या मतलब, है ना, इसको स्पीड में बोलने में तो कोई भी बोल सकता है पर बेलय है, बेताला है, उसका छंद बिगड़ा हुआ है, उसका वजन बिगड़ा हुआ है, तो ना संपे आएगा ना कुछ होगा, ठीक है। तो सफाई अगर लानी है स्पीड में तो सबसे पहले करना होगा स्लो में, आता ही नहीं सफाई, आती ही नहीं बिल्कुल, उसकी बांट बिगड़ जाएगी ना, तेरे किट तेरे किट तेरे किट, ऐसा हो जाएगा, तेरे किट तेरे किट, ये नहीं रहेगा। लोगों का है और खास करके ये तबले वालों का तो होता ही है, गाने बजाने वालों का तो है ही है, हारमोनियम और कोई से भी इंस्ट्रूमेंट वाले का तो रहेगा ही और गाने वाले का भी रहेगा, पर मैंने ये आदत जो है तबले वालों में ज़्यादा देखी है कि उन्हें स्पीड की बहुत रहती है कि स्पीड में बज जाए, और यार त्रिकेट बजे तर्र, ये साउंड आना चाहिए त्रिकेट में। अरे वो साउंड लाने के लिए सफाई ज़रूरी है पहले, लोग क्लैरिटी को प्रायोरिटी नहीं रखते हैं, स्पीड को प्रायोरिटी रखते हैं, तो वो मुझे ठीक नहीं लगता है। बिल्कुल पढ़ंत नहीं की, जाहिर बात है मैंने बोला ना पढ़ंत, तो जैसे कोई भी चीज़ है, अब ये तो मैं यूं बता रहा हूँ कि चलो पर्टिकुलर उस शब्द में, यानी जो पर्टिकुलर बोल है, जैसे पर्टिकुलर सुर है कि सा में सफाई आ जाए, रे में सफाई आ जाए, हर सुर साफ साफ एग्जैक्ट लगे उसी फ्रीक्वेंसी पे जित पे लगना चाहिए, या बोल त्रिकेट बजना चाहिए तो त्रिकेट में सफाई आए, घे बजे तो प्रॉपर घे बजे, ऐसे नहीं कि बस छू के निकल गया उसको और वो साउंड वैसा आया नहीं, या ता निकला या ना निकला या तिन निकला या दिन निकला या तुन निकला, तो ये बराबर साउंड क्लियर आए, ये तो हो गया। लेकिन अब कोई चीज़ आपको दी गई है, जैसे मैंने एक अलंकार दिया, मैंने बोला सागर रेगा सामा गा रे रेगा, ये आपको गाना है, तो अब आप मैंने ऐसे गाया एज इट इज रिपीट करने की कोशिश करोगे तो लड़खड़ाते लड़खड़ाते इस चीज को गाओगे, गिरते पड़ते, सागर रेगा सामा गा रे रेगा, है ना, ऐसे ऐसे सोच सोच के। लेकिन अगर इसकी ही गति कम कर ली, सागरेगा सामागरे, और पैटर्न समझ लिया कि सागरेगा सामागरे, ये एक पैटर्न जा रहा है, इसको जोड़ेंगे तो बनेगा सागरेगा सामागरे, तो ये एक हो गया, फिर ये दूसरा, तो यानी उसको एनालिसिस करके आपने पहले तो तोड़ा, ब्रेक डाउन किया, यही तरीका होता है। लोग कहते हैं हारमोनियम पर गाना निकालने का क्या तरीका है, या कोई भी तबले का ठेका बजाने का क्या तरीका है, तो उसको ध्यान से सुनो पहले, ऐसे नहीं कि वो सुना और एज इट इज निकल जाएगा, नहीं उसका ब्रेक डाउन करना पड़ता है, गाना निकालने का भी यही तरीका है, उसका ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन यानी पूरी लाइन है, जैसे बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, ये एक लाइन हुई पूरी की पूरी। अब ये एज इट इज रिपीट नहीं करनी है, टुकड़े करो इसके, फ्रेजेस करो, बहारों, अब सिर्फ इसी पे काम करो, बहारों, ये एक टुकड़ा हुआ, दूसरा फ्रेज फूल फूल फूल, है ना, इस एक टुकड़े के भी तीन टुकड़े फूल, ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो, बहारों फूल फिर बरसाओ बरसाओ, है ना, इसी तरह से। अब जो मैंने आपको टुकड़ा दिया पूरा कि कत्ते टे गे गे ते टे कता कता, ये पूरा एक टुकड़ा है। जब मैंने आपको सिखाया था तो आपको याद होगा कि मैंने कैसे सिखाया, बजाओ पहले कत्तिट, सिर्फ इसी को रेगुलर बजाओ, कत्तिट, फिर तीसरा बोल और जोड़ लो, कत्तिट घे गे, फिर चौथा बोल और जोड़ लो, कत्तिट घे गे तिट। धीरे धीरे बोल अच्छे से, जब तक चार मात्रा का रियाज नहीं हुआ, अब मैं आपको कह दूं एक साथ पूरी की पूरा 16 बजा दो, ये कब हो पाता है, जब ऑलरेडी तैयार होता है बच्चा, है ना। आप जाकिर हुसैन साहब और अल्लाह रखा खान साहब के वीडियोस देखिएगा जिसमें वो सिखा रहे हैं उन्हें, उसमें कुछ नहीं करना होता है अल्लाह रखा खान साहब को, अब्बा जी को, सिर्फ बोलते हैं टुकड़ा एज इट इज बोला और उन्होंने तुरंत उसी समय रिपीट करके बजा दिया, एक सेकंड भी रुके नहीं, ना नगमा रुका, ना लय टूटी, ना ताल रुकी, ना वो खुद रुके, समय रुका, कुछ नहीं हुआ, उन्होंने बोला और उन्होंने बजा दिया। तो ये कब होता है, जब ये इतना इस बुद्धि का स्तर इतना ऊंचा हो जाता है कि सुनते ही आप रिपीट करोगे, टेप रिकॉर्डर की तरह, तोते की तरह पट 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 बोल दोगे, है ना। अब हमारे साथ होता है, जैसे अगर मैं पहले दिन जब मेरे गुरुजी के यहाँ गया
दादा गुरु जी से मैंने कोई चीज़ सीखी, उन्होंने कोई तान गाई, कोई आलाप गाया या कुछ ख्याल गाया, तो उसको मुझे सुनना पड़ा पहले, है ना, ज़्यादा देर सुनना पड़ा, मैं मुझे उन्हें कहना पड़ा आप कुछ देर और गाइए इसे, अभी मेरे समझ ही नहीं आई कि वो लाइन जा कैसे रही है ना, आपने जो गाया मेरे को वो दिखाई नहीं कि उसके नोटेशंस क्या बनेंगे, है ना, मैं रिपीट कैसे करूं? फिर उन्होंने गाया गाया गाया, फिर कई बार होता है कि एक बार गाया, मैंने एक बार रिपीट किया, 10 बार रिपीट किया, तब जाके 11वीं बार में कहीं जाके इतना सा सही आया। लेकिन आज की क्या स्टेज है, आज वो पहली बार गाते हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ, पहली दूसरी बार में ही ठीक आ जाता है ना। और मुझसे और जो अच्छे वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो आधा गाते हैं और आधा तो ये कंप्लीट कर देते हैं स्टूडेंट्स, इतने भी अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं कि आपका वो पहचान जाएंगे कि आगे चाल कैसी जानी चाहिए, है ना। तो वो तरीका होता है, वो ढंग होता है सीखने का, कि बांटो उसे, डिविजन्स में बांटो, फ्रेजेस में बांटो। चीज़ें हैं डिफिकल्ट, चीज़ें जितनी अच्छे से कर ली, आगे की चीज़ों के लिए दिमाग का स्तर बढ़ जाएगा और कुछ नहीं, है ना, आपका लेवल बढ़ जाएगा तो चीज़ें जल्दी समझ आएंगी, और जितनी दी गई हैं चीज़ें, जितनी आपके पास हैं, उनको अच्छे से कर पाओगे और खुद ब खुद हाथ चलने लगेगा, दिमाग चलने लगेगा, मुझे नहीं बताना पड़ेगा। जैसे मेरे दादा गुरु जी ने या मेरे गुरु जी ने मुझे चंद चीज़ें सिखाई तबले की, बाकी चीज़ें मैं खुद का दिमाग चलने लग गया, क्योंकि वो चीज़ें इतनी अच्छी से की, जिस ढंग से उन्होंने बताई उसी ढंग से की, जो जो उसमें ध्यान रखना था वो चीज़ें ध्यान रखी, ख्याल रखा उसका, तो चीज़ें अब दिमाग चल गया। अब जाकिर हुसैन साहब का भी मैं कोई टुकड़ा सुनता हूँ तो मैं उसको लिख लेता हूँ और बजा लेता हूँ, है कि नहीं, तो दिमाग चलने लग जाता है अपना खुद का, वाली बात है।